हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्पीड अप एजुकेशन। दोस्तों सभी का स्वागत है आपके स्पीड अप एजुकेशन के प्लेटफॉर्म में। मैं आज बात करूंगा एलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस की जो आपके एग्जामिनेशन में अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम चल रहा है आरआरबी एनटीपीसी का, उसमें 28 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक कुछ 6 से 7 क्वेश्चंस मैंने एलजेब्रा के कलेक्ट किए हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन शिफ्ट में पूछे गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं एलजेब्रा के, तो उन क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया हुआ है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू और कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू ही मैंने इसका सोर्स है कनेक्शन का, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने वन बाय वन, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चंस चल रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई वांट टू इंट्रोड्यूस अबाउट द अन अकेडमी। आप सब जानते हैं अन अकेडमी के बारे में। सो आई एम द प्लस एजुकेटर ऑन अन अकेडमी और ऑल्सो स्टार्टिंग अ कोर्स ऑन अन अकेडमी फ्रॉम द 1 जनवरी, और वो एक प्रैक्टिस बैच है मैथ्स का जो कि आपके आरआरबी एन टी पी सी के लिए हेल्प करेगा। और जितने भी एन टी पी सी में रिलेवेंट बैचेस हैं मैथ्स और रीजनिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप अन अकेडमी के थ्रू आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ यू, इतनी इन्फॉर्मेशन सही अन अकेडमी के रिगार्डिंग। अब आगे की बात करते हैं हम लोग इस एन टी पी सी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो अभी सॉरी 28 तारीख से आ रहे हैं एलजेब्रा के क्वेश्चन के बारे में। अगर हम पहला क्वेश्चन देखें एलजेब्रा का, तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या लिखा हुआ, एक्स प्लस 1/(x)=12। मैंने वर्बली क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, और हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x^(-1/x)^4। और हमको एक चीज और गिवन है, वो क्या गिवन है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, x^(-1/x)^53। ये वैल्यू हमको और गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि ये वैल्यू फाइंड आउट करो। क्वेश्चन आया था x^(+(x+1/12), x^(-1/x)^53। फाइंड द वैल्यू ऑफ x^(-1/x)^4। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर हम इसको a^(-b^2) के टर्म में ब्रेक करना चाहें, तो इसको हम a^(-1/b^2) के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं। a^(-b^2), तो ये क्या होता है, a+b और इन ब्रैकेट a-b। हमको वैल्यू गिवन है किसकी, a-b की वैल्यू गिवन है। अब a+b की वैल्यू निकालने, हम जानते हैं अलजेब्रा में अगर पावर 1 से पावर 2 जाना होता है, पावर 2 गुना हो रहा है, तो पावर 2 गुना करने के लिए a+b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab यानी कि 2x/(1/x) जो कट गया, तो 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 2 आ गया 142। ये वैल्यू किसकी आ गई, x^(+1/x)^2 की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। कलर चेंज कर लेता हूँ। अब हमें निकालना है ये वैल्यू, तो ये टर्म क्या है, x^(+1/x)^2। हमने वैल्यू निकाली 142 इंटू ये वैल्यू हमको गिवन थी 53, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ था, हमको x+(1/x) गिवन था, x^(-1/x)^2 गिवन था, और हमें निकालना था x^(4+1/x)^4। तो हमने क्या करा, ये यहाँ पर 4 था, ठीक है। तो हमने पहले इसको a^(-b^2) टर्म में ब्रेक कर दिया, a+b, a-b की वैल्यू गिवन थी, a+b की वैल्यू निकाल ली। क्वेश्चन नंबर का सेकंड की बात करें एलजेब्रा में, सेकंड क्वेश्चन आया था x लिखा हुआ था 3+√2। क्या लिखा हुआ, 3+√2 लिखा हुआ है, और हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट करना है x^(+1/x)^2 फाइंड आउट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन फाइंड आउट करना है भाई। अब देखो फटाफट, ये वैल्यू हमको गिवेन है, हमें x^(+1/x)^2 निकालना है, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले x+1/x पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब 1/x कैसे निकालेंगे, आपको पता है भाई कि इसका स्क्वायर आई एम वेरी वेरी सॉरी, जो इसका स्क्वायर होता है काफी देर से इस नजदीक आ रही थी और सडनली आ गई, ठीक है। तो x^(1/x) की वैल्यू कितनी होगी, हम देखते हैं इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का डिफरेंस अगर 1 होना चाहिए, तो 3 का स्क्वायर 1 होता है और 2√2 का जो स्क्वायर होता है उसका डिफरेंस 8 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना है बहुत तेज कफ हो गया, ऐसे ऐसे मुझे वो खांसी आ गई, तो दोनों का डिफरेंस 1 है, तो 1/s कितना होता है, 3 - 2 और 2√2 हो जाता है, ठीक है। अब हम x+1/x करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3+√2 बहुत तेज वो हो गया है, तो ये से कैंसिल आउट हो गया, x+1/x की वैल्यू 6 आ गई। जब इसकी वैल्यू 6 आ गई, तो इसका कितना होता है, a+b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 6 का स्क्वायर 36 में 2 हो गया
34। इस सवाल का आंसर कितना है, 34 आ गया। अब देते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अगर हम थर्ड देखना चाहें जो हमारे एग्जाम में आया था, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स की वैल्यू, एक्स बराबर लिखा हुआ है √5 + 2, और हमसे कह रहा था फाइंड आउट करो एक्स 6x² - 24x + 12। ये क्वेश्चन आया था 30 तारीख को, यानी कि कल की शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये एक्स लिखा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप क्या करिए, इस वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जो भी आंसर है फिर हमारे सॉल्यूशन से अपने आंसर को मैच कराइए। हम 2 को इस तरफ लेकर आए और बराबर √5 कर दिया। अब हमने क्या किया, दोनों साइड पर इसका होल स्क्वायर किया। सबसे पहले क्या करा, 2 को x की तरफ लेकर आए, ब्रैकेट क्लोज किया, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, a² + b² - 2ab बराबर √5² + 5 आ गया। अब जैसे √5² गया, ये x² - 2x, a² + b² - 2ab बराबर, ये आ गया 5 में से 4 इधर आ गया, ये 1 आ गया, यानी x² - 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये -2x ना होकर यहाँ पर 4x हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा, a² + b² - 2ab होता है, तो 2 × 2 4x हो जाएगा, यहाँ से भी 4x हो जाएगा और यहाँ से भी 4x हो जाएगा, ठीक है। x² - 4x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब जैसे 1 आ गया, यहाँ पर हमने क्या 6 कॉमन ले लिया, तो x² - 4x आ गया और प्लस का 12 आ गया। अभी हमने जो वैल्यू फाइंड आउट करी वो x² - 4x करी, और यही तो दिया हुआ है 6 × 1 तो 12 और 6 18, इस सवाल का आंसर आ गया, जो गया क्वेश्चन नंबर 3। सिंपल क्वेश्चन आपके अलजबरा के आ रहे हैं, बिल्कुल आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि x + 1/x की वैल्यू हमको 5 की बने, और कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x² / (x²-3x + 1), इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो मेरे दोस्त, x + 1/x² 5 गिवन है, यहाँ पर इस तरह से हमारे पे स्टेटमेंट गिवन है। अब हम क्या करें, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, काफ़ी सिचुएशन ऐसी डिफिकल्ट टाइप की लग रही है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर लेते हैं। अगर x² से x को डिवाइड करेंगे तो x³ हो जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड करेंगे ये 1/x³ हो जाएगा, ये तो ऊपर से हो गया। नीचे से अगर x की बात करें, चाहे डिवाइड कर दो चाहे कॉमन ले लो, बात बराबर ही, x कर दिया -3 + 1/x हो गया, हर जगह हमने x से डिवाइड कर दिया है ना, हर जगह x से डिवाइड कर दिया, ये हर जगह कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर है x³ + 1/x³ आ गया। हम ये तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको x + 1/x गिवन हो, डायरेक्ट पता है, आपको पता है a³ + b³ क्या होता है, a+b का होल क्यूब, a+b क्या, x + 1/x, a+b का होल क्यूब - 3ab। a और b हमारा सेम है, यानी कि a और b रेसिप्रोकल है, वो कैंसिल आउट गए, 3 ब्रैकेट में a+b यानी कि 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, 3 × 5 = 15 होता है, और ये वैल्यू कितनी हो गई, 110 हो गई। ये वैल्यू हमको इस ऊपर वाले की वैल्यू 110 मिल गई, आओ बेटा ये 110 हो गया। अब देखो नीचे x + 1/x, ये क्वेश्चन दे रखा हमको 5, और नीचे -3, ये आ गया 2, तो 110/2 होता है बेटा आंसर 55। इस सवाल का आंसर है 55 आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारे एलजेब्रा का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इजी था। सबसे पहला स्टेप नंबर हमने एक किया कि यहाँ से x को डिवाइड किया, जब हमने x को डिवाइड किया तो हमारा इक्वेशन इस टाइम में बना, x³ आ गया, तो x³ निकालने के लिए किसी भी पावर से, जैसे मान लो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ है, x + 1/x² 7 लिखा हुआ है, अगर आपको निकालना क्या, x³ + 1/x³ 3 निकालना है, पावर 1 से पावर 3 गुना हो रही है, जब पावर 1 से पावर 2 गुना होती है तो (होल स्क्वायर - 2ab) करते हैं, जब पावर 1 से पावर 3 गुना होती है तो a+b का होल क्यूब - 3ab, ab दोनों सेम है तो कट गया, और a+b यानी 7 हो गया, ये डायरेक्ट हो गया। आप इसके कई सारे एप्लीकेशन दे सकते हैं, अगर हम मान ली क्या है x³ + 1/x³ 30 = 9 लिख रहा जाए, और आपसे पूछे x²90 + 1/x²90, बात वही है, 30 का 3 गुना लिखा 90, यानी कि a+b का होल क्यूब - 3ab (a+b). आप इस तरह से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहाँ पर थे, इसका आंसर 55 आ गया। ऑल ऑफ यू क्लियर है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ पर है लिखा हुआ x =
थ्री प्लस अंडर रूट एट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। हम एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब हमको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पढ़ा हो। और आपने सर्ट्स में पढ़ा होगा करणी में कि इसकी जब इसका स्क्वायर करते हैं 9 और ये 8, इन दोनों का डिफरेंस अगर एक हो तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू आप डायरेक्टली यहाँ पर 3 माइनस रूट 8 लिख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो आप इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, रैशनलाइजेशन कर सकते हैं, 3 प्लस रूट 8 अपॉन 3 माइनस रूट 8 करके वो भी कन्वर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये किया आपने। फिर आप यहाँ से x प्लस वन अपॉन एक्स निकालेंगे तो 3 प्लस रूट 8 और 3 माइनस रूट 8 ये से कट जाएगा बेटा, 6 आ गया। अब एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल क्यूब माइनस का 3ab, यानी एक्स इंटू वन अपॉन एक्स कट गया, ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 6। तो 216 में से 18 जाएगा, आंसर आएगा कितना, 18 चला गया ये 16 से, तो 2198। इस सवाल का आंसर कितना 198 आ गया। कितने क्वेश्चन हो गए? पाँचवा क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है हमारी इस पे? क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 हमको गिवन है 194 गिवन है, और हमसे कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालो। बेटा देखो, सवाल हमको कुछ भी निकालना हो, अगर एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो हमारे पास एक्स प्लस वन अपॉन एक्स होना चाहिए। हम पावर एक से पावर तीन पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, पावर एक से पावर दो पर पहुंच सकते हैं, दो से चार पर पहुंच सकते हैं, चार से आठ पहुंच सकते हैं, आठ से चार आ सकते हैं, चार से दो, दो से एक आ सकते हैं, एक से तीन पहुँच सकते हैं, और हम ऐसे इस तरह से एक से सात पहुँच सकते हैं, 3×4 का मल्टीप्लाई करके भी पहुँच सकते हैं, वो अलग अलग स्टेप्स हैं, राइट। तो हमें चार पावर से कहाँ आना पड़ेगा, पहले पीछे आना पड़ेगा, पीछे आगे कहाँ पर आना पड़ेगा, पावर दो के पास आना पड़ेगा, पावर दो से पावर एक के पास आना पड़ेगा, फिर जाके पावर तीन के पास जाना पड़ेगा। क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं गिवन है? हाँ, इतने ही निकला है। अब देखो, एक्स की पावर चार से हम पीछे आएंगे। अब पीछे आने का मतलब कि जैसे आप कार चलाते होंगे तो गियर को बैक करने के लिए पीछे बैक गियर लेते हैं, तो जब हम पावर चार से पावर दो पर आते हैं तो हम स्क्वायर रूट लगाते हैं 194 प्लस 2। 2 मतलब प्लस 2 ए भी होता है, अगर प्लस की तरफ आते हैं बैक तो प्लस लगाते, माइनस की तरफ आते तो माइनस लगाते हैं। ठीक है, ये सिंपली हमने कुछ नहीं किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, तो जब इसका स्क्वायर करोगे बेटा तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर, यानी अगर हम इसका स्क्वायर कर दें आपके सामने तो क्या बनेगा आपको, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस का 2 बनेगा, और ये जो स्क्वायर हटा तो यहाँ पर अंडर रूट लग गया है, वही यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 94 और ये प्लस 2, तो ये कितना बन गया, कलर चेंज कर लेता हूँ, 196 बन गया। 196 बाहर आता है अंडर रूट 14 से, ये बाहर आता है। अब हमने देखा यहाँ पर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर मिल गया, लेकिन हमको इसके पास पहुँचने के लिए एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पता होना चाहिए। एक बार और पीछे आएंगे, यानी एक बार और बैक गियर लगाएंगे, बैक गियर लगाने के लिए अंडर रूट लगाएंगे 1414, प्लस का साइन लगा हुआ तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगाया, और 2ab दो जोड़ दिया, 14 और 2 16 होता है, हमारा आंसर कितना आ गया, 4 आ गया, यानी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 आ गई। अब बेटा हमको फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है बेटा a प्लस बी की वैल्यू पता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस का 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, 64 से आपको 12 को माइनस करना है, 4 का क्यूब 64, 3 चौक 12, तो ये कितना आ गया 52, हमारे सवाल का आंसर आ गया। यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है, ये छठा क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, जो हमारे एलजेब्रा में क्वेश्चन नंबर 7 आया था, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या आया था, क्वेश्चन नंबर 7 क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और हमसे कह रहे थे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हमसे फाइंड आउट करने की बात कर रहा था। अब आप इस सवाल को बहुत गहराई से देखिए, बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। अगर हम दोनों साइड यहाँ पर x से डिवाइड कर दें तो क्या करेंगे, 1 अपॉन x माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन x बराबर 0, x से डिवाइड कर दिया उधर तो 0 था, तो ये क्या हो गया बेटा, आराम से कलर क्या रहा, x से डिवाइड किया तो यहाँ पर x आ गया, तो अब ये क्या हुआ, x प्लस 1 अपॉन x, हमने 2 को उस साइड भेजा तो 2 आ गया। बेटा जब x प्लस 1 अपॉन x पता हो और हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना हो तो डायरेक्ट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और a और b तो कट जाएगा क्योंकि x और 1 अपॉन x है, तो 4 में से 2 जाएगा, आंसर कितना आएगा 2, ये सवाल का आंसर। ये टोटल 7 क्वेश्चंस हैं हमारे पास जो एलजेब्रा में हमसे पूछे गए।
ये इसमें किसमें आपके एनटीपीसी में अभी हाल फिलहाल में पूछे गए, यानी 28 तारीख, 29 और 30 तारीख को अगर देखा जाए तो ये सारे क्वेश्चन हमसे पूछे गए। मैंने आपसे 7 क्वेश्चन डिस्कस किए, मैं एक बार दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये डिस्कस किया जिसका आंसर इसका मल्टीप्लाई करने से आएगा, 53 दूनी 126 मल्टीप्लाई करके 14 से मल्टीप्लाई 1700 समथिंग कुछ आ रहा हो, 15 चौको 60 यानी 1700 आसपास, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या गया नेक्स्ट किया तो इसका आंसर 34 आया। हमने सिंपली सॉल्व किया, पहले f1/x निकाला और फिर उसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया, इसका आंसर 18 आया। फिर क्वेश्चन नंबर हमने क्या किया 4 को सॉल्व किया, इसका आंसर 55 आया। फिर क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया, इसका नंबर आंसर 198 आया। फिर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया हमने, इसका आंसर 52 आया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व किया, इसका आंसर 2 आया। आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दूँ, अगर आपको बेटा x+1/x पता है, मान लो कि ये आपको 3 पता है, तो अगर आपको पावर 2 के पास जाना है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, a+b² - 2ab, तो ये 7 आ गया। अगर आपके पास पावर 4 के पास जाना, आपको कहाँ जाना है पावर 4 के पास, तो अगेन a+b² - 2ab, तो ये 47 हो गया। फिर से अगर पावर 8 के पास आना है तो क्या करेंगे, a+b² 47² - 2ab। ये स्टेप्स आप चलाते चले जाएंगे। अगर आपके पास x^8+1/x^8 = 47 पता है और आपको पीछे बैक करना है, तो आप पहले बैक करके पहले सबसे पहले x^4 पर आएंगे। 4 बैक करने के लिए क्या करते हैं, +2 करते हैं और अंडर रूट लगा देते हैं, क्योंकि हम पीछे कर रहे हैं। जब हम आगे जा रहे हैं यानी 4 से 8 के पास जा रहे हैं तो स्क्वायर कर रहे हैं, 8 से 4 आ रहे हैं तो अंडर रूट कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, ये 7 आ गया। फिर पीछे आएंगे 7+2, अंडर रूट लगाएंगे, 3 आएगा। आप देखते हैं ये स्टेप आते जाएंगे, जैसे जैसे आप जाते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये स्टेप्स मिलते जाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मतलब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया। तो ये अलजेब्रा का एक बेसिक सिनेरियो था जो हमने डिस्कस किया। आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, आप x+1/x = अगर आपको 5 गिवन है वहाँ से आप x-1/x भी निकाल सकते हैं, सेम पावर पर जा सकते हैं अंडर रूट लगा के, है ना, ये 5+4ab या यहाँ माइनस है तो -4ab और प्लस है तो +4ab। मैंने ऑलरेडी अनअकैडमी में सारा चैप्टर्स पढ़ा रखा है, एलजेब्रा की 17 से 18 क्लासेस लिए, उसका बेसिक जीरो से हाई लेवल तक डिस्कस किया। आप एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो जस्ट ज्वाइन द क्लास और थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। जो भी स्टूडेंट्स या इंस्पिरेशन के आने वाले एग्जामिनेशन है उन सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और मैं आज इसके 3-4 वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, एलजेब्रा का भी एक पार्ट और अपलोड करूँगा। फिर अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का, फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ट्रिग्नोमेट्री का भी, ऐसे 3-4-5 टॉपिक्स, बेस्ट ऑफ बेस्ट टॉपिक्स पे क्वेश्चन अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।